इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। आपने एक चीज और भी पूछी थी कि तावीज वगैरह जो है खातून करती हैं, मौक्कल जिन्नात किसी औरत के पास आता है वो फिर उनसे लोगों को तावीज़ या उनके हाल वगैरह बताती हैं, तो कैसे औरतों से इलाज वगैरह कराना, उनसे जाना पूछना, ये सब बातें बिल्कुल मना है, नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से ये कि जो जिन्नातों का सहारा लेकर इस तरीके के आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि आगे की खबर आपको देते हैं या आपके बारे में इल्म गैब या कशफ के ताल्लुक़ से आपको बताते हैं कि ये मामलात आपके साथ हो सकते हैं और हम पे हाजिरी आई, हमने ये बताया या हाजिरी आई, उन्होंने ये चीज़ हमें बताई है कि ऐसा हो सकता है, ये सब जो है वो फालतू बातें हैं, इनसे बचना चाहिए और इस किस्म की ख्वातीन के पास जाने से बचना चाहिए। अगर किसी को जिस्मानी या रूहानी कोई ऐसी परेशानी है तो किसी सही आमिल के पास जो तावीज़ात जायज़ तरीके से करे और यानी कुरान हदीस की आयातों से करे, तो ऐसे में उनके पास जाकर अपना इलाज करा लेने में हर्ज नहीं। मगर ये कि फ़कत मज़ार पर कोई औरत है उस पर हाज़िरी आती है उनसे, और जबकि वो इल्म भी उसके पास आपने लिखा कि नहीं है, जब उसके पास ख़ुद इल्म नहीं है तो उसको ये चीज़ मालूम नहीं है कि कुरान ने इस बात का इनकार कर दिया कि जिन्नातों को इल्म गैब नहीं होता, जब अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि ये मुस्तकबिल की बात नहीं बता सकते, तो इसका मतलब जिन्नात जो भी बता रहा है वो झूठ है, वो हकीकत नहीं होगा। अब ये कि पिछले गुजरे हुए मामलात से तुक्के से काम लेना वो एक अलग बात है, मगर जिन्नात इल्मे गैब नहीं जानते क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका इनकार कर दिया, तो ऐसी ख्वातीन वगैरह के पास जाने से बचना चाहिए।